जेएनयू हिंसा को लेकर सियासत तेज हुई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी जेएनयू के बवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जेएनयू हिंसा को 26/11 जैसा हमला बताया है। जेएनयू में हिंसा के बाद विपक्षी पार्टियों के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, जहां कोई सरकार को आड़े हाथों ले रहा है तो कोई पुलिस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि रविवार रात जेएनयू में जो हुआ वो 26/11 आतंकी हमले जैसा था। ये जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमले तो मैं तो मार्च में नहीं बर्दाश्त करूंगा। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यहाँ उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। युवा और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है। अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो, अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। वहीं आपको बता दें कि रविवार को जेएनयू में हुई हिंसा की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी और जल्द ही हिंसा से जुड़ी हुई रिपोर्टों को गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।